You are listening 98.7 Big Masala. Hello and good morning everyone. This is your favorite radio host Vishal and my co-host Rohit, and welcome to 98.7 Big Masala. Alright guys, it's 14th of February. Aaj hai pyar ka din. On this special day, I would like to say I love you all. In my heart, you will always stay. Happy Valentine's Day to all. Big Masala 98.7 pe hai. Aaj pyar ka mausam, love is on air. So after all, it's Valentine's Day. Kuch to khas banta hai. तो रोहित जी, क्या खास होने वाला है आज के शो में? अरे विशाल जी, थोड़ा रुकिए तो, सबर तो कीजिए. पहले हम सुनते हैं एक गाना जो अपने आप में ही एक खास है. जब कॉलेज में जाने की बारी आई थी, मुझे बात ये सबने समझाई थी, एक चक्कर है प्यार, उसमें घूमना नहीं, समंदर सा होगा डूबना नहीं, जरा बच के रहना, संभल के चलना, हो जाएगा बेहाल तो फिर ना कहना. और कहते कहते, सुनते सुनते, टकरा जो गया उस पार में, डर जा बेटा, लग गई तेरी, फट गया साला तू प्यार में. क्या बोल है रोज जी. सो गाइज, यू गॉट द हिंट, यस और नो? मुझे तो लगता है विशाल जी, इन्हें हिंट नहीं मिली. सो रोहित जी, आप ही बता दीजिए हमारे इस शो के बारे में. विशाल जी, चलिए आप इतना बोल रहे हैं तो बता ही देते हैं. तो हमारे शो का नाम है फिर मुझे दिल से पुकार तू. ऑलराइट गाइस, टुडे इज अ स्पेशल डे, ऑफ कोर्स वैलेंटाइन डे. सो इसी बात पे होने वाली है हमारे इस शो में प्यार भरी बातें और बेचैनियों की कई मुलाकातें. सो रोहित जी, इसी बात पे हो जाए? हाँ जरूर जरूर, दो शब्द तो फरमाना चाहूंगा ही. जरूर रोहित जी. तो अर्ज किया है, दिन जा चुके थे पर तुम्हें देखकर जवानी का एहसास होने लगा था. दिन जा चुके थे पर तुम्हें देखकर जवानी का एहसास होने लगा था. तुम जितने गहरे हो, तुम्हारा उतना प्यार बताने लगा. वाह वाह रोहित जी, आपने क्या शायरी मारी है. ऑलराइट गाइस, ऐसे ही हमारी शायरी की डायरी चलती रहेंगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस, वी विल बैक. अनारों का पत्ता चनारों का जैसे हवाओं में, ऐसे भटकता हूँ दिन रात, दिखता हूँ मैं तेरी राहों में. मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू. गाइज वी आर बैक, अभी हम अपना शो स्टार्ट करते हैं. वेल, ये सब तो चलता ही रहेगा, क्या बोलते हैं रोहित जी? जी जी जरूर. तो चलिए हम अपने शो की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले कॉलर से बात करते हैं. तो गाइज, इस शो को जुड़ने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा 5555555. तो विशाल जी, आपने नंबर तो बोल दिया, अभी देखते हैं किसका कॉल. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी जस्ट मैंने नंबर बता दिया और कॉलिंग लाइन चालू. देखिए पहला कॉल आ चुका है लगता है. ओ माय गॉड, देखते हैं किसका है. हेलो. या हेलो. यस, माय नेम इज अजय, आई एम फ्रॉम मुंबई. जी जी अजय जी, सबसे पहले आपका इस शो में स्वागत है, फिर मुझे दिल से पुकार दो. एक्चुअली आई एम वर्किंग इन इंफोसिस एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर. वैसे तो रोहित जी और विशाल जी, मैं आपका रेडियो रोज ही सुनता हूँ. मतलब शुरुआत मेरी आपके साथ ही होती है, ऐसा बोलने में कुछ ये नहीं है. आज आपने जो कॉल वाला टॉपिक निकाला है, तो मैंने भी सोच लिया कि ये फ्री समय भी था मेरा, तो मैं भी आपको कॉल कर लेता हूँ. देखता हूँ कि हमारा लग यहाँ पे तो साथ देता है क्या. सो मैं सुनाना चाहता हूँ, स्टोरी इतनी खास नहीं है, सभी की जिंदगी में तो प्यार है, हमारा भी था मतलब था ऐसा ही समय है, क्योंकि आज हम साथ में नहीं है, मतलब एक जगह पे नहीं है, कहीं और किसी और शहर में है, किसी और बातें होती है, मुलाकातें कम होती है. तो भी मैं सुनाना चाहता हूँ ये बात है उस दिन की,
सकते हैं आप 3 साल पहले की, जब मैं बैठा था घर में अपनी जिंदगी से परेशान होकर फेसबुक हाथ में लिए हुए, अचानक कहीं से दोपहर के समय में उसका मैसेज मुझे आ गया है। उसका मैसेज आ गया और मैंने भी एकदम फटाकर से लड़की का मैसेज देख के रिप्लाई तो दे दिया है। इस बातों का सिलसिला इस तरह बढ़ गया कि आज हम लोग साथ में हो गए। तो इस प्यार के टॉपिक में मेरा और उसका जो खास बात था कि हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था। बातें करते करते मुलाकातें करने का भी प्लान बन गया। कैसे कैसे टाइम निकाल के चला गया मैं उसको मिलने। कुछ अच्छी जगह नहीं थी, वो बोली थी टाइम्स ऑफ इंडिया के बाहर के बस स्टॉप पे आ जाओ मिलने। मैं भी सोच में पड़ा था कि ये कौन सी जगह है किसी लड़की को डेट करने की, पर क्या पता अभी जाना तो पड़ेगा, बुलावा तो उसका था। चला गया कैसे कैसे उसके पास और पकड़ लिया उसका मैंने कुछ कैसे तो शर्म के हाथ ले चला गया उसको मैं एक मरीन ड्राइव के रोड पर बैठ गया उसके साथ गुलछरे उड़ाते। गुलछरे मतलब ऐसे वाले नहीं जो बातों में थे। बाद में जाके पता चला थी वो एक पत्रकार, उसको भी तो खेलने का बहुत था शब्दों के साथ यार। इसी तरह हम लोग की बातें आगे बढ़ती रही। हाँ पत्रकार थी तो उसकी भी भागदौड़ चलती रही। आज मेरा तो समय है 9 से 5, सैटरडे संडे छुट्टी भी मिलती है यार, पर उसका तो वर्किंग है 24/7 आवर्स। आज तो दोनों में फासला इतना है प्यार का नहीं रस्ते का कि आज वो रहती है 11 से 40 किलोमीटर दूर कई भटके हुए शहर में, शायद कहते हैं दिल्ली उसे। मैं आज भी सपनों की नगरी में उसकी याद में तड़पता हूँ क्योंकि मुंबई में हर कोई जी लेता है। अगर उसके लिए कुछ कहना चाहूँ तो एक बात है मेरे पास, और इन काली रातों में तुम्हारी यादें चांद की तरह रोशनी डालती है मेरी जिंदगी में। तो थैंक यू सो मच। तो विशाल जी क्या कहना चाहेंगे आप जो अजय जी ने हमारे साथ उनका जो किस्सा है प्यार का जो शेयर किया है? देखिए रोहित जी, अजय जी ने जो उनकी जर्नी बताई है प्यार की वो बहुत निराशाजनक थी, मेरे को भी दुख हुआ सुनकर। जी जी विशाल जी, मैं आपके बात से पूरा सहमत हूँ विशाल जी। तो चलिए अजय जी का एक मूड बनाते हैं, कुछ उन्हें अच्छा सा गाना सुना देते हैं। जरूर जरूर, ठीक है चलिए। तो ये गाना है स्पेशली अजय जी के लिए, ये रातें ये मौसम। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। वाह वाह वाह, व्हाट अ सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी जी विशाल जी, बहुत खूबसूरत गाना था। तो रोहित जी चलिए हम अभी सेकंड कॉलर की ओर बढ़ते हैं। जी जरूर जरूर, देखते हैं कौन है आशिक जो अपनी कहानी बताना चाहेगा हमसे। यस यस, हेलो हेलो, यस हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं वाशी से निशान बोल रहा हूँ। जी जी निशान जी, सबसे पहले आपका हमारे इस शो में स्वागत है जिसका नाम है फिर मुझे दिल से पुकार तू। एक्चुअली वैलेंटाइन डे का कुछ थोड़ा मेरा भी किस्सा है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। सो निशान जी शेयर कीजिए अपने प्यार का सफर। हाँ जी हाँ सर, एक्चुअली अभी मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही है। एक्चुअली क्या है, वैलेंटाइन डे ऐसा मेरे लिए बहुत मतलब पहले मायने नहीं रखता था, मगर अभी ये वैलेंटाइन डे में मैंने बहुत ही एक मतलब यादगार दिन मेरे लिए है। उस दिन मैंने सुबह ही मेरे गर्लफ्रेंड से बात की और उससे बात करते समय मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका नाम मैं अभी आपको बता नहीं सकता। और वो बहुत ही प्यारी है, मेरे से बहुत प्यार करती है, और एक साल के बाद मैं उससे बोला कि आई लव यू और वो मुझे हाँ बोली। यस ओके सर। वाह विशाल जी, क्या निशान जी की स्टोरी थी,
अच्छी प्यार की कहानी थी, क्या कहते हो? बहुत खूबसूरत थी रोज जी, बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल। जी जी, तो इसी बात पे निशान जी के लिए कुछ हो जाए। जरूर जरूर। तो चलिए उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यार भरा गाना हम अभी प्ले करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ओ रोज जी, हमारे टाइम ने जवाब दे दिया है, हमारे जाने का समय हो चुका है। सरोज जी, जाने से पहले कुछ हो जाए। जी जरूर जरूर, हमारी शायरी की डायरी कैसे भूल गए तो हम? चालू कीजिए। तो जी जरूर। आग के पास कभी मोम को लाकर देखो, आग के पास कभी मोम को लाकर देखो, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखो। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देख, तेरी तस्वीर लगा कर देख। वाह वाह रोज जी, क्या शायरी है। जी शुक्रिया शुक्रिया विशाल जी। सो गाइज, मी एंड माय को-होस्ट रोहित साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए सुनते रहिए 98.7 बिग मसाला।